हेलो दोस्तों, वेलकम टू नवी मुंबई जीएस ब्लॉग। दोस्तों अभी मैं खारघर से पहले जो टोल नाका आता है उससे पहले यहाँ पे खाड़ी का जो पुल है वहाँ पे अभी खड़ा हूँ। दोपहर के ठीक 12:30 बज चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैफिक जाम यहाँ पे लगा है, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है। ये ऑलरेडी खाड़ी के पुल का काम बहुत दिनों से चल रहा है, उसकी वजह से एक रास्ता बंद है। तो बच्चे हुए एक रास्ते पर भी अभी बस यहाँ बंद पड़ी है, तो उसको निकालने के लिए अभी क्रेन लाया है। उसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम, बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। सीधा खारघर के आगे तक ये ट्रैफिक जाम गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सामने टोल नाका आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से वहाँ तक दिख रहा है। मैं आगे से भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए पीला वाला जो कंटेनर है बहुत दिनों से यहाँ पर है। यह यहाँ पर रास्ते के रिपेयरिंग का काम, यहाँ पर ब्रिज के रिपेयरिंग का काम चल रहा है, नदी के ब्रिज के। उसकी वजह से ऑलरेडी एक रास्ता बंद रहता है, तो आज जो बचा हुआ दूसरा रास्ता है उसके ऊपर वो बस बंद पड़ी है। ये देखिए, ये मैं टोल नाके के ये साइड आ चुका हूँ। अभी यहाँ से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ आगे तक। ये देखिए खारघर के सीधा खारघर तक ये ट्रैफिक जा रहा है। चलिए मैं आपको आगे से भी आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये सीधा ट्रैफिक अभी टोल नाके तक जा रहा है, वो टोल नाके के आगे वो ब्रिज पर काम चल रहा है। चलिए मैं आपको आगे तक दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए अभी मैं खारघर की तरफ जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं हाईवे पे पूरा राइट साइड का पूरा ट्रैफिक जाम हुआ है। ये वर्किंग आवर्स अभी चल रहा है, 12:30 बजे यहाँ पे, और पूरा ट्रैफिक आप देख सकते हैं, पूरा ट्रैफिक जाम है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी है ट्रैफिक में, काफ़ी सारे जिनको तकलीफ हो रही है ट्रैफिक की वजह से। ये देखिए अभी हम लोग खारघर की तरफ जा रहे हैं, खारघर का भी फ्लाईओवर आएगा सामने। ये देखिए दोस्तों, खारघर के फ्लाईओवर के ऊपर अभी हम लोग हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक जाम लगा है, बहुत ही बड़ा ट्रैफिक जाम है। काफ़ी दिनों से ये खाड़ी के ब्रिज का काम चल रहा है, इसी की वजह से वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन आज वो बस बंद पड़ी इसकी वजह से यहाँ तक ट्रैफिक आ गया है। बहुत ही तकलीफ होती है लोगों को, और कोई ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है अल्टरनेट वहाँ से जाने के लिए। ये देखिए बहुत दूर तक ट्रैफिक है। ये सीधा अभी सीबीडी बेलापुर तक पहुंच जाएगा ट्रैफिक थोड़ी देर में। दोस्तों इसी प्रकार के नवी मुंबई की अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल नवी मुंबई जीएस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स यहाँ से अभी गुजरने वाले होंगे तो उनको यूज़ होगा। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।